हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बड़ी भर्ती के बारे में बता रहे हैं जिसमें शिक्षक की पदों पर भर्ती होनी है। 3000 से ज़्यादा पद इसमें खाली हैं जिसमें ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती है, जिसमें ग्रेजुएट टीचर की जो सैलरी दी जाएगी वो दोस्तों वो 20,475 है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो सैलरी दी जाएगी वो 26,025 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। तो इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो नेम ऑफ पोस्ट है वो TRB त्रिपुरा, STGT और STPGT ऑनलाइन फॉर्म 2018, जिसमें TRB त्रिपुरा रिक्रूटमेंट 2018 ये नोटिफिकेशन है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों वो 3611 है और पोस्ट जो डेट है वो 8/12/2018 है। इसमें दोस्तों जो आप लोगों को जो इसमें फ़ीस पे करनी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ₹300 है और SC ST और PS कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ₹200 फीस रहेंगी और पेमेंट जो है वो चलान के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके अंदर दो वैकेंसी है दोस्तों, STPGT और STGT, जिसमें आपका ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती है, जिसमें आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं 12/12/2018 से लेकर 19/12/2018 तक, मतलब 12 दिसंबर 2018 से लेकर 19 दिसंबर 2018 तक। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि टाइम पीरियड बहुत कम है दोस्तों, तो इसी बीच में आपका अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें जो आप पेमेंट कर सकते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 27/12/2018 है और इसके एडमिट कार्ड जो है वो 1/2/2019 से लेकर 8/2/2019 तक आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो डेट की बात करें तो 24/2/2019 है, जो इसमें टाइमिंग जो रहेगी वो सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी और 2.5 घंटे का इसमें टाइमिंग रहेगा आपका एग्ज़ाम का। और टेस्ट सेंटर जो रहेगा अगरतला रहेगा दोस्तों, इसमें आपकी जो एज लिमिटेशन है वो 7/12/2018 को 40 साल, अप टू 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो SC ST PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसमें जो पोस्ट हैं वो STGT जो है उसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 3172 है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA BA BEd और BSc BEd आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उसके लिए 439 पोस्ट हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए BEd और BA BEd और BSc BEd आपने किया हुआ है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि STGT जो ग्रेजुएट टीचर के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 1066 है, SC की जो सीटें हैं वो 524, ST की 1345 और PS कैंडिडेट के लिए 140 और ESM जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 97 पोस्ट हैं, टोटल 3172 पोस्ट हैं, जिसमें आपको स्कीम ऑफ टेस्ट STGT फॉर क्लास 9 to 10th के लिए जो है इसमें STGT कैंडिडेट्स इज टू चॉइस एनी वन ऑप्शन, इसमें से आप एक वन चॉइस ऑप्शन कर सकते हैं, जिसमें सोशल साइंस, बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। सेकंड जो ऑप्शन है इसमें बायोलॉजिकल साइंस है, जियोलॉजी, बॉटनी एंड फिजिक्स, और थर्ड ऑप्शन में प्योर साइंस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। जिसमें सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो पोस्टें दी हुई हैं, जिसमें बंगाली जो लैंग्वेज है उसकी जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है, SC के लिए नहीं है, ST के लिए 50 सीटें हैं, PS कैंडिडेट के लिए 3 और एक्स सर्विस मैन के लिए 6 हैं, तो टोटल 59 पोस्ट हैं। तो आपने जो सब्जेक्ट वाइज आपने जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप अपने जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं नोट्स, तो ये भी आप चेक कर लें। और बात करते हैं इसमें आप आवेदन भी आपका जो कर सकते हैं वो यहाँ पर भी डेट दी हुई है 12/12 से लेकर 19/12/2018 तक, ये सभी आपको जो मैंने आपको बताया आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट है और एग्जामिनेशन डेट और टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सिलेबस वगैरह की जो पोस्ट है उसके लिए ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम कैसा होगा उसके बारे में, वो सब
यहाँ से इस वाली पीडीएफ से देख सकते हैं। इसका जो लिंक है सभी पीडीएफ का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पर आके अपना जो नोटिफिकेशन है ये उसको रीड कर सकते हैं। बात करते हैं, ये जो सभी था वो ग्रेजुएट टीचर के लिए था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप यहां से चेक कर सकते हैं, जिसमें 12-12 इसमें भी आज जो डेट है वो भी यहां पर दी हुई है। एसटीजी टीपीजीटी 2019 के बारे में इसमें आवेदन करने की डेट भी सेम है, और सब्जेक्ट वाइज जो यहां पर सीटें हैं वो भी यहां पर देख सकते हैं। अनरिजर्व एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है, और टोटल सीटें यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसमें भी जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह और एज लिमिटेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस और टेस्ट फीस और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन को दोस्तों आप अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद ही अपना जो आवेदन है वो करें। वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह सब दे सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्ट जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका, जो सर्टिफिकेट आपके वेरिफिकेशन होगा उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रियर टू ऑफ टेस्ट का, जो आपका टेस्ट होगा उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैसे आपको जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में यहाँ पर नॉलेज दी हुई है, तो उस नोटिफिकेशन को रीड करें। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ये जो दूसरा पीडीएफ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए इनकी ऑफिशियल साइट जो है दोस्तों trbonline.tripura.gov.in, तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपना जो मिस्टर मिसिज या मिस है वो सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड पे आपको टिक कर देना है। परमानेंट एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है और प्रेजेंट एड्रेस और फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड अगर आप हैं तो यस या नो पे आपको क्लिक करना है। करंट एम्प्लॉयड अगर आप कहीं करंट जॉब कर रहे हैं तो यस या नो पे क्लिक करेंगे, और एक्स सर्विस मैन यस या नो पे क्लिक कर देंगे। अपना जो फ़ोटो है वो चॉइस फाइल करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपका जो रहेगा स्कैन करके वो भी आपको चॉइस फाइल करके अपलोड कर देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट उसमें यहाँ पर आई एग्री आपको टिक करना है, और यहाँ पर भी उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से इसमें लॉगिन करना होगा दोस्तों। यहाँ पर ये लॉगिन दिया हुआ है, इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें लास्ट ऑप्शन में आपको जो फीस है वो पे करनी होगी। ऑनलाइन मोड से भी आप इसमें फीस जो है वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।